Uh, blood clots is called as a deep vein thrombosis. It can happen in the knee after knee replacement surgery or any other joint replacement surgery or lower limb surgeries, and its chances are only 2 to 3 percent. And to prevent these uh, blood clots, hum. तीन चार प्रोसेस यूज करते हैं जैसा हम एक लो वेट हपेरिन यूज़ करते हैं पेशेंट को हम जिस दिन सर्जरी होती है उसी दिन से हम लो वेट हपैरिन स्टार्ट करते हैं ये ब्लड क्लॉट्स को बनने से प्रिवेंट करता है सेकंड हम एक एंकल पम्प्स लगाते हैं काफ पम्प्स होते हैं जो काफ की मसाज करता है जिसकी वजह से कम हो जाते हैं ब्लड क्लॉट्स थर्ड थिंग इज़ हम पेशेंट को इनक्रेज करते हैं एंकल एक्सरसाइज करने के लिए जो कि एक अपने आप ही नेचुरल एक पम्प की तरह काम करे और ब्लड क्लॉस को प्रिवेंट करें एंड द लास्ट थिंग इज दैट हम नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन करते हैं ऑलमोस्ट ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे पेशेंट को हम वॉकिंग स्टार्ट करवा देते हैं जैसे ही पेशेंट की वॉकिंग स्टार्ट होती है उसकी काफ मसल्स एक्टिव हो जाती हैं उसकी वजह से डीप वेन थ्रोमोसिस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं प्लस पोस्ट स्टॉप में हम पेशेंट्स को एकोस्प्रिंग कंटिन्यू करते हैं टू टू थ्री वीक्स के लिए जिससे कि पेशेंट का थ्रोम्बोसिस के चांसेस काफी कम रहते फॉलो टू स्टे अपडेटेड डिस्कशन अबाउट हेल्थ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स